मैं आर तिवारी सेठसियर हिंदी हाई स्कूल की ऑनलाइन टीचिंग में क्लास टेंथ सब्जेक्ट इंग्लिश में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश में पोएम टू पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी किताब निकालेंगे और पोएम टू पेंसिल टॉपिक पेंसिल है अपने उसी के बारे में पढ़ेंगे। माय डॉटर लिटिल डियर डॉटर लाइट ए पेंसिल विद ए शार्पनर। मेरी पुत्री लिटिल डियर डॉटर मेरी छोटी प्यारी पुत्री। लाइट ए पेंसिल एक पेंसिल को प्रज्वलित करती है विद ए शार्पनर। एक शार्पनर की मदद से एक पेंसिल को वो प्रज्वलित करती है यानी छीलती है। द स्काई ऑफ द वाइट पेपर। स्काई कैसा बना है? सफ़ेद रंग के कागजों का आकाश है। बिगिन टू बी फिल्ड विद लाइट। बिगिन माने शुरू करना, टू बी फिल्ड भरा जाना विद लाइट प्रकाश से। तो सफ़ेद कागज का आकाश प्रकाश से प्रज्वलित होता है। बड़ा सा कागज लिया कहने का तात्पर्य यह है उसके पास एक बड़ा कागज है, उस कागज की तुलना आकाश के समान की गई है और उस कागज पर क्या क्या चीज़ें बनेगी ये सारे चित्र कवि ने जो लिखा है पोएट ने कि क्या क्या चीज़ें वो बनाने जा रही है उसकी प्यारी पुत्री उसी के बारे में उसने लिखा है। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री। एक काला पक्षी उड़ता हुआ विद द ट्री, पेड़ के साथ उड़ता हुआ एक काला सा पक्षी। ग्लासेज ऑन द आइज ऑफ द पीकॉक। मोर की आँख पर चश्मा, मोर के आँख पर चश्मा। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर। हवा में उड़ता हुआ अग्निरथ। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड। सड़क पर चलता हुआ एक एरोप्लेन। द लॉयन हैविंग ए कन्वर्सेशन विद द कॉ। शेर लर्निंग शेर, कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप करना, विद द काउ काउ की यानी गाय के साथ बात करता हुआ एक शेर। ये सारे चित्र वो बना रही है छोटी सी बच्ची। ए वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री और एक आँख वाला सूर्य कहाँ पर है? ऑन द ब्लैक ट्री काले पेड़ पर। विद ए पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट और उस पेड़ के ऊपर एक धब्बा है बादलों का। हाँ, एक आँख वाला सूर्य काले पेड़ पर है, उसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा है। ए ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द ओवर हेड। एक नीले रंग की पक्षी फ्लाइंग उड़ रही है ऑन द फोर हेड माने ललाट पर ऑफ द क्लाउड। बादलों के ललाट पर एक नीले रंग की पक्षी उड़ती है यानी उड़ती हुई एक नीले रंग की पक्षी बादलों के ललाट पर उड़ती हुई एक नीले रंग की पक्षी। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल और झरने में तैरते हुए एक पीले रंग की तितली। माय डार्लिंग डॉटर इन हर स्टेसी। मेरी प्यारी पुत्री आनंद में आनंदित होकर इज बिजी ड्राइंग, अपनी ड्राइंग में बहुत व्यस्त है। स्टेसी का मतलब होता है आनंदित होना। मेरी प्यारी पुत्री अपने ड्राइंग में परमानंदित है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। इन हर स्टेसी आया हुआ है, स्टेसी मीन्स आनंदित होना, खुश होना। इन बिजी ड्राइंग स्ट्रेंज पिक्चर, विचित्र चित्र बनाते हुए, विचित्र प्रकार की एक स्ट्रेंज विचित्र प्रकार के चित्र बनाते हुए
मेरी पुत्री बहुत ज़्यादा आनंदित हो रही है और उसमें बहुत व्यस्त है बनाने में। बट व्हेन द स्कूल मास्टर, लेकिन जब स्कूल का शिक्षक गिव हर होमवर्क, उसे घर काम देता है, तो माई डॉटर, माई डार्लिंग डॉल, मेरी प्यारी गुड़िया, ब्रिंग द टिप ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के अग्रभाग को तोड़ देती है। टिप माने अग्रभाग, पेंसिल का जो होता है जिसे हम नोक कहते हैं, अड़ी, तो उसे उसके अग्रभाग को गुस्से में वो तोड़ देती है। कब तोड़ती है? जब स्कूल का जो शिक्षक है उसे घर काम देता है, क्योंकि बच्चों को घर काम अगर दो तो उसे बहुत कम पसंद आता है, इसीलिए वो गुस्सा पड़ जाती है और जो चित्र बना रही है पेंसिल से उसकी अड़ी को तोड़ देती है। एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल, और जो पेंसिल की मोमबत्ती है, इज एक्सटिंग्यूश्ड, नष्ट कर देती है। पेंसिल की मोमबत्ती को नष्ट कर देती है। ओनली द स्मोक रिमेन, केवल वहाँ पर धुआं बचा होता है, शेष होता है, उस कागज़ के टुकड़े पर केवल क्या बचा मिलता है? धुआं। ऑन द स्काई ऑफ द वाइट पेपर, सफ़ेद रंग की जो कागज़ का आकाश है, वहाँ पर केवल क्या बचा होता है? धुआं बचा होता है, बाकी कुछ बचा नहीं होता है। इट मीन्स कि बच्ची पूरा का पूरा समूह बनाए हुए पिक्चर को नष्ट कर देती है, ड्राइंग को, वहाँ कुछ बचता नहीं है। यहाँ कभी वह बच्चों को यदि घर काम दिया जाए तो बच्चे उसे करने में हिचकिचाते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उन्हें घर काम होमवर्क करने में गुस्सा आती है, इसलिए घर काम करने में गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये पेंसिल का पार्ट वन भाग है। अगले भाग में आपको एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।